नमस्कार दोस्तों, सविता क्लासेस में आपका स्वागत है। माय नेम इज मदनलाल पटेल। आइए हम आज देखते हैं एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के बारे में, हम आज मैथ के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स किस सब से मिलकर बना हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है और अपने स्टैटिक्स में इसका या एग्रीकल्चर में क्या रोल है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स है, एक इटालियन शब्द है, इसका अर्थ होता है स्टैटिस्टा से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्टैटिस्टा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्टेटमैन मतलब आपका अर्थात राजकुशल से, या तो राजकार कुशल से है, या तो इसको हम बोल सकते हैं राजकुशल से। आइए फिर अगर हम अपने व्यवहारिक एग्रीकल्चर में देखते हैं तो व्यवहारिक अर्थ इसका दो प्रकार से लिया जाता है, अर्थात देख लेते हैं कि व्यवहारिक में हमको कैसे हम इसका यूज करते हैं। देख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स से होता है, अर्थात एक आपका सांख्यिकी विषय होता है, और दूसरे नंबर पर स्टैटिस्टिकल डाटा सांख्यिकी आंकड़े से लिया जाता है। ओके, ये हो गया स्टैटिस्टिक्स के बारे में, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के बारे में, अर्थात ये क्या है हमारा, एक इटालियन शब्द से लिया गया है स्टैटिस्टा, अर्थात इसका जो ये है आपका स्टैटिस्टा से निकला हुआ है या लिया गया है। इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्टेटमैन या स्टेट्समैन, जिसका मतलब क्या होता है, राजकार से कुशल। अर्थात अपने व्यवहारिक में हम देखते हैं तो इसका दो प्रकार से यूज होता है या प्रयोग होता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा। नंबर एक में देखेंगे तो स्टैटिक्स से लिया गया है, जिसका अपने सांख्यिकी विषय से लिया गया है। दूसरी है हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा, अर्थात सांख्यिकी आंकड़े से इसका तात्पर्य होता है। आइए अब इसमें हम एक आपका टॉपिक होता है जिसका नाम है समांतर माध्य, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। समांतर माध्य क्या होता है और उसकी गणना हम कितने प्रकार से करते हैं, चलिए हम देखते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है। ओके, आइए हम देख लेते हैं समांतर माध्य, जो हमारा हेडिंग होगा तो वो होगा क्या, समांतर माध्य। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। ओके, अब जानेंगे हम कि समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य की परिभाषा क्या है, पहले इसको जानेंगे, उसके बाद इसकी गणना हम कितने प्रकार से करते हैं उसको जानेंगे, गणना में कौन कौन से श्रेणी आते हैं उसके बारे में फिर जानेंगे। तो सबसे पहले हम अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो हम आप लिखेंगे, नोट करेंगे कि परिभाषा भी किसका है, समांतर माध्य का। इसको हम लिख सकते हैं समांतर माध्य, लिखिए आप परिभाषा लिखते रहिए, समांतर माध्य वह संख्या है जो पदों के मानों के योगफल को पदों की संख्या द्वारा विभाजित पदों की संख्या द्वारा विभाजित करने से प्राप्त प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर माध्य, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इसको समांतर माध्य। ओके, समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य को
यक्ष बार से दर्शाया जाता है, यक्ष बार से दर्शाया जाता है, या कहीं कहीं इसे कैपिटल एम से भी दर्शाया जाता है, ओके। ये देखिए इसका डिफिनेशन हो गया। परिभाषा की बात किया जाए समांतर माध्य की, तो समांतर माध्य वह संख्या है जो पदों के मानों के योगफल को पदों की संख्या द्वारा विभाजित करने से प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक अर्थात समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य को हम यक्ष बार, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, यक्ष बार से दर्शाते हैं, या कहीं कहीं इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एम से भी दर्शाते हैं। ओके, ये हो गया हमारा कि समांतर माध्य की परिभाषा क्या हो गया, उसको हम किससे दर्शाते हैं या किस चीज़ से इसको हम पहचानते हैं। ओके, ये बात हो गई हमारी समांतर माध्य की। अब अगला जो पॉइंट होगा हमारा कि समांतर माध्य की गणना, समांतर माध्य की गणना हम कैसे करते हैं, आइए देख लेते हैं उसमें समांतर माध्य की गणना। तो समांतर माध्य की गणना हम तीन तरीके से करते हैं। समांतर माध्य की गणना, आगे वाला जो हेडिंग होगा माध्य की गणना, तो इसको हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन, इसको लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीन समांतर माध्य की गणना। जो समांतर माध्य की गणना हम करते हैं वो तीन तरीके से करते हैं, अर्थात तीन श्रेणियों में करते हैं। नंबर एक इंडिविजुअल सीरीज, सीरीज जिसको हम बोलते हैं क्या, व्यक्तिगत श्रेणी, नंबर दो बात करेंगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज, नंबर दो क्या है डिस्क्रीट सीरीज, इसको हम क्या बोलते हैं, खंडित श्रेणी, ओके। नंबर तीन की बात किया जाए, तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, सीरीज, इसको हम बोलते हैं सतत श्रेणी, ओके। इसकी गणना हम तीन तरीके से करते हैं, एक होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज जिसको हम बोलते हैं क्या, व्यक्तिगत श्रेणी, नंबर दो क्या है डिस्क्रीट सीरीज जिसको बोलते हैं हम लोग खंडित श्रेणी, नंबर तीन क्या है कॉन्टिन्यूअस सीरीज अर्थात सतत श्रेणी। ओके, ये बात हो गई हमारी हम गणना कैसे करते हैं। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं, इसमें कौन सी सीरीज में क्या हमको मालूम रहेगा। ओके, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा किस पर करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज पर अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी पर। चलिए हम देख लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में क्या क्या हमको दिया रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक नोट पॉइंट लिखिएगा, या तो आप वैसे लिख लीजिए कि इसमें सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में क्या हमको पता रहेगा, यक्स दिया रहता है। आप ब्रैकेट में कर दीजिए, आप यक्स दिया रहता है, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ हमको यक्स दिया रहेगा। ओके, सिर्फ हमको यक्स दिया रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई डाटा ले लीजिए आप इस प्रकार से, चलिए बना लीजिए आप एक डाटा। ओके, ये हमारा क्या हो गया, सीरियल नंबर हो गया, और उसके बाद यक्स हमको डाटा दिया रहेगा। बना लीजिए आप, इसमें लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारा 6 हो गया, लास्ट में हम 7 लिख देंगे, 7 पॉइंट हो गया। अब देखिए यक्स हमारा डाटा जो रहेगा इतना दिया रहेगा सिर्फ हमको, तो ये हमारा डाटा जो होगा 10 हो गया, 20 हो गया, उसके बाद आपका 80 हो गया, उसके बाद हमारा 12 हो गया, 14 हो गया, उसके बाद 16, फिर 15, ये इतना हमारा दिया रहेगा, हमारे पेपर में इतना हमको दिया रहेगा। ओके, चलिए ये सिर्फ हमको यक्स इसमें
इंडिविजुअल सीरीज में व्यक्तिगत श्रेणी में सिर्फ हमको यक्ष दिया रहेगा हमारे पेपर में। तो अर्थात देख लीजिए यक्ष हमको सिर्फ दिया गया है, ये हमारा सीरियल नंबर हो गया। ओके, तो जो इसमें फार्मूला लगेगा तो आप इसके सामने लिख लीजिए कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। फार्मूला की बात किया जाए तो हम लिख सकते हैं इसमें फार्मूला, तो फार्मूला जो लगेगा वो होगा यक्स बार बराबर सिग्मा यक्स अपान यंग, वेयर लिख सकते हैं आप वेयर, जहां सिग्मा यक्स बराबर पदों का योग, पदों का योग, और यन बराबर आप लिख सकते हैं यन बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या। इसी के द्वारा हम निकालते हैं अर्थात जो हमारा है सिग्मा यक्स बराबर पदों का योग होगा और यन बराबर क्या होता है हमारा पदों की संख्या। ओके, अब देख लीजिए ये जो डाटा दिया गया है इसी के आधार पर हम इसको निकाल लेते हैं। आप देख लीजिए हम इधर कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, देखिए इसको क्या करना है पदों का योग अर्थात इसको टोटल आप काउंटिंग करके जोड़ लीजिए कितना हो रहा है हमारा। आइए हम देख लेते हैं जब हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है हमारा, वहीं देख लीजिए आप, आइए जोड़िए आप कितना आ रहा है। ये टोटल आप जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 140 अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा यक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा यक्स अपान यन बराबर हो जाएगा हमारा 140। आप यक्स को जोड़ लेंगे आपका कितना आ रहा है ये 140। अब यन बराबर कितना है आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 अर्थात यन बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7। ओके, अब हम इसको भाग दे देंगे कितना आ रहा है हमारा अर्थात ये हो जाएगा हमारा 20। तो यक्स बार बराबर अर्थात समांतर माध्य बराबर कितना हो गया 20, यही हमारा आंसर हो गया। ये इंडिविजुअल सीरीज में है अर्थात इसमें क्या हमको सिर्फ दिया रहेगा यक्स। ओके, इंडिविजुअल सीरीज में आप एक नज़र आओ देख लीजिए यहाँ पर कि इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी में सिर्फ हमको यक्स दिया रहेगा। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सिर्फ हमको यक्स पता रहेगा, यक्स दिया रहेगा या दिया रहता है। तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे सिग्मा यक्स बार बराबर सिग्मा यक्स बार बराबर सिग्मा सॉरी यक्स बार बराबर सिग्मा यक्स अपान यन, वेयर जहां सिग्मा यक्स बराबर पदों का योग होता है और यन बराबर पदों की संख्या। ओके, तो हम इसी के आधार पर यहां रख दिए डॉट और कैलकुलेशन करके निकाल दिए तो जो हमारा आंसर आया हुआ है वो 20 आ गया। ये बात हो गई हमारी इंडिविजुअल सीरीज की। अब हम क्या करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे। आइए हम देख लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज में क्या क्या हमको दिया रहेगा हमारे पेपर में। आइए चर्चा कर लेते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज की बात। ओके, चलिए डिस्क्रीट सीरीज की बात नंबर दो पॉइंट में क्या होगा हमारा कौन सा है आपका डिस्क्रीट सीरीज में आपको इसमें आप लिख लेंगे कि हमको दिया रहेगा क्या यक्स हमको दिया रहेगा और एफ हमको दिया रहेगा। आप ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए दिया रहता है। ओके, आप इस चीज़ को देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे इस चीज़ को सबसे पहले हम कॉलम में देख लेते हैं क्या क्या हमको दिया रहेगा। ये चीज़ हो गया हमारा यक्स और हमको एफ पता रहेगा पेपर में। देख लीजिए आप इस चीज़ को सीरियल नंबर आप बना लीजिए एक। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए यक्स उसके बाद फिर एफ रहेगा आपका। ओके, आइए देख लेते हैं हम इसमें कर लीजिए आप सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 और 6। अब यक्स डाटा जो है आपका रहेगा 11 12 30 14 15। ओके, उसके बाद 16 हो गया। आप देख लीजिए ये आपका ये हो गया। ओके, यक्स और एफ आपको पेपर में दिया रहेगा। हो गया, अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो जो फार्मूला लिख लीजिए आप इसको लिख लीजिए फार्मूला बराबर होगा इसमें दो फार्मूले लगते हैं। नंबर एक फार्मूला लगेगा कि यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। नंबर दो फार्मूला क्या है यक्स बार बराबर ए प्लस ए
प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान सिग्मा एफ। अब सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग नंबर एक फार्मूले पर। ओके, फार्मूला होता है एक्स बार बराबर इस प्रकार से रहता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, और एक रहता है हमारा एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान सिग्मा एफ। सबसे पहले हम इसे निकालते हैं। ओके, आइए देख लेते हैं हम इसे निकालेंगे। तो हमारा ये फार्मूला क्या है, एफ एक्स हमको ज्ञात करना है। तो आगे वाला जो कॉलम बनेगा एफ एक्स हो जाएगा, ये देख लेते हैं हम। गुणा करिए आप, एफ एक्स गुणा कर दीजिए, फ्रिक्वेंसी कितना है आपका, चलिए थ्री हो गया, सेवन दिया गया है, एट है आपका, फाइव है, उसके बाद टू है, फिर फोर है। ओके, ये आपका फ्रिक्वेंसी दिया है। अब आप क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। तो यार 33 हो गया आपका, निकाल लीजिए आप इस चीज़ को, चलिए गुणा करिए आप, 33 हो गया, पास 84 हो गया। ओके, उसके बाद है आपका फिर 104 होगा, फिर उसके बाद कितना है आपका 70 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, उसके बाद आपका फिर 64 हो जाएगा। ओके, अब हमारा फार्मूला क्या कह रहा है, सिग्मा एफ एक्स अर्थात योग कर लीजिए आप, इसको जोड़ेंगे तो आपका ये आएगा कितना 385। आप जोड़ लीजिए 385 आएगा, और हमको क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी जोड़िए तो आपका जो आएगा ये फ्रिक्वेंसी आएगा आपका 29। ओके ओके, ये हमारा हो गया 29 और ये 385। अब फार्मूला के ऊपर हम रखकर कर दीजिए आप, चलिए फार्मूले पर करिए। तो हो जाएगा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है आपका 385 अपान 29। आप भाग दे दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 31.27, यही इसका आंसर है। ओके, आपका ये इसका आंसर है। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं, अगर दूसरे फार्मूले की बात किया जाए तो आप देख लीजिए दूसरे फार्मूले पर क्या क्या हमको दिया रहेगा, दूसरा फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आइए देख लेते हैं दूसरे फार्मूले के पर। ओके, दूसरे फार्मूले में देखा जाए तो हमको ये निकालना है पहले, ये हम मान लीजिए इसको मान लीजिए, चलिए यहाँ हो गया हमारा ए। ओके, अब इसके केस में देखा जाए तो आगे वाला जो कॉलम बनेगा ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए बराबर क्या होगा, यही हमारा डी एक्स होता है, यही हमारा क्या होता है डी एक्स होता है। ओके, अब चलिए निकाल लीजिए आप, एक्स कितना है आपका, अर्थात एक्स बराबर 11 माइनस ये कितना है आपका 13, आप निकाल लीजिए कितना बचेगा, फिर उसी प्रकार से आप 12, 13, फिर 13 माइनस 13 कर लीजिए, फिर होगा आपका 14 माइनस 13 हो जाएगा, आप घटाते रहिए। ओके, फिर 15 माइनस 13 हो जाएगा, 16 माइनस 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1, 2 और 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो आगे वाला कॉलम है हमको क्या चाहिए, एफ एक्स, आपका जो फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स सिग्मा एफ है, तो हमको डी एक्स मिल गया, या फ्रिक्वेंसी चाहिए तो अर्थात यही डी एक्स में आप फ्रिक्वेंसी से गुणा कर दीजिए, तो आगे वाला कॉलम क्या बनेगा हमारा, एफ डी एक्स हो जाएगा। चलिए आप निकाल लीजिए इसको, गुणा करिए, 3 × 6 - 6 हो गया, उसके बाद आपका फिर -7 हो गया, फिर आपका ये 0 हो गया, उसके बाद आपका कितना आएगा, गुणा करिए आप, कितना आ रहा है, 5 × 10 हो गया। ओके, 5 × 10 कितना आ रहा है, 5 × 1 = 5, 2 × 2 = 4, उसके बाद आपका कितना हो गया, 4 × 3 = 12, टोटल कितना आया आपका, ये हो गया। देखिए गुणा कर लीजिए आप, 3 × 6 - 6, 7 × 7 - 7, 8 × 0 = 0 हो गया, 5 × 1 = 5, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 हो गया। ओके, अब इसका आप करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, यहाँ आप घटाएंगे जब इसको टोटल, तो ये आपका 8 आ जाएगा। ओके, आपका 8 आ गया, अब आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कितना आ रहा है हमारा,
आइए देख लेते हैं हम कैलकुलेशन में, तो ए बराबर हम कितना माने हैं 13। आइए देख लेते हैं, तो हम रखेंगे फार्मूला के हिसाब से 13 + 8/29। 29 कितना है हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, गुणा करेंगे तो आप इस चीज़ को मत छोड़िए, आप इसमें भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.27। आप इसमें जोड़ दीजिए तो आप जोड़ेंगे 13.27, यही आपका आंसर आ गया। देखिए दोनों का आंसर सेम आया होगा, ओके। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज पर, ओके। आइए कंटिन्यूअस सीरीज पर हम चर्चा कर लेते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, उसमें हमको दिया रहेगा सी आई और फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे वाला चर्चा करना है क्या हम लोगों को, सी आई और फ्रीक्वेंसी। चलिए इसमें दिया रहेगा हमको सी आई और फ्रीक्वेंसी, यह हमारा क्या है कंटिन्यूअस सीरीज, इसको हम क्या बोलते हैं सतत श्रेणी। जल्दी देखिए इसमें हमको क्या पता रहेगा, सी आई और एफ अर्थात वर्ग अंतराल दिया रहेगा, ये क्या है दिया रहता है, ओके। कर लीजिए आप, सी आई बराबर क्या होता है देख लीजिए आप, सी आई बराबर आप लिख सकते हैं वेयर सी आई बराबर क्या होता है वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं वर्ग, इसको लिख सकते हैं हम लोग वर्ग अंतराल, इसी को बोलते हैं क्या इंग्लिश में क्लास इंटरवल, ओके। हो गया फ्रीक्वेंसी आप जान ही रहे हैं, यह बराबर क्या हो सकता है बारंबारता, इसको बोलते हैं क्या बारंबारता, और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एफ ई क्यू यू ई सी वाई, ओके। ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। अब देखिए इसमें क्या दिया रहता है, सी आई हमको पता रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। चलिए हम बना लेते हैं एक, तो सबसे पहले वाले में देखिए इसमें रहेगा क्या हमारा सी आई हमको दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी हमको पता रहेगा। चलिए देख लेंगे आप इसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, लास्ट में हमारा 40 से 50। और फ्रीक्वेंसी में आप लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी में कितना है आपका 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ध्यान दीजिएगा सी आई और एफ आपको पेपर में दिया रहेगा, उसके बाद आपको निकालना क्या है आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए आप कि इसमें अभी तो हमको सब दिया रहता है, हम उसमें से कुछ निकालना नहीं था, हमको सिर्फ गुणा करके निकालना था डाटा उसमें से। तो इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा, जब सी आई आपको दिया रहे तो आप क्या करेंगे, जब आप सी आई आपको दिया रहे फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सी आई का मध्यमान निकालते हैं, अर्थात इसको क्या बोलते हैं हम लोग यक्स बोलते हैं, ओके। ये हमारा यक्स हो गया, ओके, ये हमारा यक्स हो गया। यक्स क्या करते हैं हम सी आई में हमेशा 2 से भाग दे देंगे सभी में, ओके। देख लीजिए अगर 2 से भाग दे रहे हैं कितना आ रहा है हमारा मध्यमान 5। अब फिर दोनों को हम जोड़ देंगे अर्थात इसमें सभी में आप 2 से भाग दे दीजिए, जनरली क्या करिए आप 2 से भाग दे दीजिए, ओके। अब देख लीजिए अगर 10 में हम 2 से दे रहे हैं तो हमारा 5 आ गया, फिर हम इसमें दोनों को जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, अर्थात अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देखिए कि अगर कितने का वर्ग अंतराल है हमारे पास 10 का, तो अगर एक डाटा हमको मालूम हो गया है तो आप 10 प्लस करते चलिए, ओके। तो अगर इसमें हम कर देंगे 5 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, फिर इसमें क्या करेंगे 25, फिर 35, लास्ट में हमारा क्या हो गया 45, इसका मध्यमान हो गया। अब इसमें जो फार्मूले लगेंगे वही जनरली पीछे वाला जो फार्मूला है अर्थात यक्स बार बराबर क्या होगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ लगेगा पहला फार्मूला, और दूसरे फार्मूले में हमारा क्या होगा यक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान सिग्मा एफ, यही दोनों फार्मूले लगाकर हम निकालेंगे डाटा। चलिए करिए अब हमको यक्स मालूम हो गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले फार्मूले से लगाएंगे सवाल, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है एफ एक्स अर्थात जो आगे वाला हमारा कॉलम बनेगा क्या होगा एफ एक्स। चलिए बना लीजिए आप इस चीज़ को, तो एफ एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स गुणा कर दीजिए आप 5 हो गया, उसके बाद आप
30 हो गया, उसके बाद हमारा कितना हो गया 75 हो गया 75, उसके बाद हमारा कितना है फिर 140 हो गया, उसके बाद लास्ट में हमारा 225 होगा। ओके देखिए इसका फ्रिक्वेंसी हम गुणा कर दिए, हमारा लास्ट में कितना आया 200 कितना आया हमारा निकाल लीजिए आप इस प्रकार से कर लीजिए। ओके ये कितना आया हमारा 225 आया, 225 आया। ओके ये हो गया हमारा 225। अब क्या करेंगे, हमको सिग्मा एफ एक्स मालूम हो गया, अब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी कितना हमारा है उसको जोड़ लीजिए आप, ये फ्रीक्वेंसी हम जोड़ेंगे तो हमारा 50 आएगा, अर्थात 15 आएगा, 15 आ गया, देख लीजिए इसको जोड़ लीजिएगा 15 आया। और इसको फिर हम जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे तो हमारा आएगा ये चीज 475, ये कितना आएगा हमारा 475। अब इसके अनुसार हम फार्मूले पर रखकर हल करते थे सवाल। तो हमारा फार्मूला क्या कह रहा है, सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एक्स, तो हम एफ एक्स जगह कितना रखेंगे 475, तो 475 अपान कितना हो जाएगा 15। इसका जब हम भाग देंगे, भाग दीजिए आप, भाग देंगे तो कितना आ रहा है आंसर हमारा, जो आंसर आएगा वो आएगा 31.67। आप देख लीजिए भाग देंगे तो आपका इतना आंसर आएगा, ये हो गया हमारा 31.67। अब ये वाले फार्मूले के अनुसार आया, अब दूसरे फार्मूले में क्या करना है, इस हिसाब से अगर दूसरे फार्मूले को देखा जाए तो आप देख लीजिए, आप एक्स वाले कॉलम से कोई ए मान लीजिए, जिसको हम ए क्या है इसमें कल्पित माध्य, वेयर अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए वेयर ए बराबर क्या है कल्पित माध्य, इसको बोलते हैं क्या कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। आप एक्स वाले कॉलम से ए कोई भी संख्या मान सकते हैं, मान लीजिए हम ले लिए 25 ले लिए, तो आगे वाला कॉलम क्या हो सकता है एक्स माइनस ए हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं डी एक्स। आइए निकालते हैं हम इस चीज़ को, निकाल लेते हैं डी एक्स, एक्स माइनस ए। ओके चलिए एक्स वाला कॉलम आपका ये हो गया, तो आप क्या करेंगे 5 - 20 निकाल लीजिए, कितना होगा -20 ये हो गया, उसके बाद 50 - 25 निकाल लीजिए, फिर 25 - 25 उसके बाद आपका 35 - 25 45 - 25 आप इस चीज़ को ऐसे कर लीजिए। ओके बना लीजिए आप इस चीज़ को, हो गया गलत हो गया क्या जी, 5 कर लीजिए आप इस चीज़ को इस प्रकार से, हो गया आपका बराबर 50 कर लिए, ये हो गया आपका। फिर ये चीज़ आया क्या, हाँ ये चीज़ आपका इसमें है, देख लीजिए आप ये वाला, आप क्या करेंगे 50 - 50 कर लीजिए, इस चीज़ को आप इसमें कर लीजिए, 50 - 50 हो गया, अब बचा क्या 30 - 50 कर लीजिए 25, 40 - 25 आप गुणा करके निकाल लीजिए कितना आ रहा है आपका, भाग दीजिए आप। ओके चलिए अब जो आएगा हमारा ये 20 आ गया माइनस, ये कितना आएगा -10, ये 0 हो गया, ये बराबर 10, ये 20 हो गया। ओके ये हो गया हमारा कितना इस हिसाब से। अब जो आगे वाला होगा वो होगा डी एफ डी एक्स, आगे वाला कॉलम जो होगा हमारा क्या होगा एफ डी एक्स, अब आप गुणा कर दीजिए फ्रीक्वेंसी से, माइनस इसमें क्या होगा -20 हो जाएगा। ओके ये -20 हो जाएगा और ये भी -20 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास ये 0 हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा। अब इस चीज़ को आपस में माइनस माइनस जोड़ लीजिए, 40 हो गया ये 140, अर्थात ये हमारा कितना हो जाएगा 100, ये हमारा कितना मिल जाएगा हमको 100। अब हमारा जो 100 हमको मिला ये क्या है एफ डी एक्स निकल गया। अब आप इस दूसरे फार्मूले पर रखकर आप हल कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। चलिए फार्मूला जो आपका है ये फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स सिग्मा एफ, आप इसी पर रख लीजिए। आप ए कितना है आपका 25 प्लस एफ डी एक्स कितना आया 100 आप रख लीजिए 100, अब पान फ्रिक्वेंसी कितना है आपका 15 आप रख लीजिए,
इसको हल कर देंगे, आप कितना आ जाएगा 15 × 96 अर्थात 6 पॉइंट, फिर आपका 10 हो गया, फिर 15 × 96 अर्थात कितना हो जाएगा आपका, सॉरी अच्छा ठीक 15 × 96 फिर 6.6, इस प्रकार हो गया 31.67, यही आपका आंसर। ओके, इस प्रकार से आपका समांतर माध्य की गणना तीनों विधियों से हो गया। इस प्रकार से हमारा जो आप टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। यदि दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट डालिए।